ये वीडियो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है कि कनाडा में हो रही हेरा फेरियों से अपने आप की बचत कीजिए। आजकल बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम कनाडा में आ रहे हैं, उनकी आयु भी कम होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो बोगस कॉल्स आ रही हैं या फेक कॉल्स, ये हिंदी या पंजाबी भाषा में है और वो जो फोन नंबर यूज करते हैं ये 503 है, या वो ईमेल आईडी से जो जब आप फोन उठाते हो तो उसके पर फोन नंबर नहीं आता, ईमेल आईडी आती है, उससे आप ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है पुलिस के लिए भी, आपके लिए भी, ये फोन कॉल कहाँ से आ रही है, जाली है या नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसके बारे में आप बिल्कुल अपने आप को एक्टिव कीजिए, उसकी वेरिफिकेशन कीजिए, फिर ही अगला कदम आप उठाइए। नंबर एक, भारत में अंदर बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो एजेंट हैं, कंसल्टेंट नहीं हैं। वो क्या करते हैं, फोटो शूट करके आपको जाली लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिखा देते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कनाडा में यदि किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेना हो तो कम से कम एक महीना लगता है, क्योंकि उसके लिए कमेटी बैठती है, कमेटी आपके मेरिट्स डीमेरिट्स देखती है, प्लस पॉइंट देखती है कि आप उसको उसके लिए सूटेबल हो या नहीं हो, फिर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू होता है। जो एजेंट भारत में आज आप उसको पैसे देकर आते हो, अगले दिन आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो काम जाली है। रात रात के अंदर कोई ऐसा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू नहीं होता है। तो यदि आपको कोई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऐसे देता है, आप उसके पर वेबसाइट और फोन नंबर दिया रहता है, आप बकायदा उस ईमेल के ऊपर आईडी के ऊपर उस कॉलेज को कंफर्म कीजिए कि ये आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे पास आया है, क्या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या जाली है या फेक है, प्लीज क्रॉस चेक इट। नहीं तो 5 साल काम भी कर लोगे, घर वालों का 50 लाख भी खर्च हो जाएगा और आपको आखिर में पीआर नहीं मिलने वाली। सो बी वेरी केयरफुल। फेक कॉल्स मैंने आपको बता रहा था, ये पंजाबी भाषा में और हिंदी भाषा में आती हैं। इसके अंदर क्या क्या बहाने बनाए जाते हैं, आपका सिन नंबर सस्पेंड हो गया है। फिर क्या हो गया, ये सिन नंबर पहली बात तो कोई सस्पेंड करता नहीं है, सिन नंबर इज जस्ट लाइक आधार कार्ड। यदि सिन नंबर सस्पेंड हो गया तो आप अगले दिन उस डिपार्टमेंट को लिखिए तो वो आपको ईमेल के थ्रू जवाब आता है 24 आवर्स के अंदर। यदि वो आपको सिन नंबर सस्पेंड भी करेंगे तो आपको उसको बकायदा लेटर आएगा, रजिस्टर लेटर, सब कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरा क्या है कि वो कहेंगे कि आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और उसको पुलिस से बचाने के लिए पैसे चाहिए, या उसको बचाने के लिए वकील की फीस पे करनी है, $4,000-5,000 मांगेंगे। मैं तो हैरान हूं उन लोगों की, इतनी अकल भी नहीं है कि $4,000 कमाने के लिए एक स्टूडेंट को 6 महीने लग जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि आपको लॉटरी निकल गई है, उसके टैक्स का भुगतान करने के लिए आप पैसे पहले भेजो, बाद में हम आपको लॉटरी के पैसे देंगे। जब आपने लॉटरी डाली ही नहीं है तो निकल कहां से आई, ये आपको समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का कई बार आपको टेलीफोन आता है, वो आपसे काम भी करवा लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, पैसे भी देंगे तो आपको एक फेक चेक भेज देंगे, आपको कहेंगे इतने पैसे पहले कैश में ट्रांसफर हमें कर दो, फिर आप ये चेक अपने अकाउंट में लगा सकते हो। वो भाई कनाडा में तो ऐसा सिस्टम कोई है नहीं है कि कोई कमीशन ले पाएगा आपकी जॉब के अंदर से। सो इन बातों से आप परहेज कीजिए। रूम रेंटल के बेस के ऊपर कनाडा में बहुत हेराफेरी होती है। क्या होता है कि आजकल सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आपको आपने कहाँ जाना है उसका एड्रेस देना होता है। वैसे तो क्या है, यदि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर कनाडा से जाता है तो उसके अंदर जो स्पॉन्सर है वह अपना एड्रेस लिखता है और आपने उसके पास जाना होता है, या आपने भारत से होटल की बुकिंग करनी होती है तो होटल का वेबसाइट होता है तो उसका एड्रेस आपने देना होता है। पर जो रूम रेंटल के बेस के पर आपसे एडवांस पैसे ज्यादा मांगते हैं, देखो टोकन एडवांस तो दिया जा सकता है, $100 हो गया, $50 हो गया, इट इज फाइन, रेस्ट विल बी पेड ऑन अराइवल कर सकते हो। यदि हेराफेरी हो भी जाएगी तो $50 या $100 की होगी। पर ये लोग क्या करते हैं कि $1,000 $2,000 मंगवा लेते हैं,
वो सारा पैसा ना तो आपको वो एड्रेस मिलता है, वो बोगस होता है। उसके अंदर फोटोग्राफ भी किसी गलत प्रॉपर्टी के होते हैं, तो आप इन चीजों से बच के रहिए। नेक्स्ट हेरा फेरी होती है गो फंड के अकाउंट के ऊपर, कि कोई अपना गो फंड का एक पेज बना लेगा ताकि किसी की डेड बॉडी इंडिया भेजनी है, किसी की हेल्प करनी है, कोई आदमी कनाडा में बीमार हो गया है, उसके पास मेडिकल कवर नहीं है, उसको मेडिकल का फीस पे करनी है, तो आप नए आए हो कनाडा में, इन चीजों से बचिए। जहां से फोन आ रहा है वहां दोबारा फोन काटो, वहां फोन करो। मोस्टली आपको ये लोग अपना फोन नंबर नहीं देते हैं और ना ही ये फोन उठाते हैं। इन चीजों ये आपकी सहूलत के लिए है, बचना चाहो बच लो, फंसना है तो फंस लो, आपकी मर्जी है। यदि आप हमारे से कोई और जानकारी भारत बैठे कनाडा से लेना चाहते हैं, हमारा फोन नंबर भारत में है 9815101148। आपको हर इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। डे टाइम आप फोन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।